जो विकास के कार्य चल रहे हैं उन सब के ऊपर चर्चा की है और आने वाले समय के अंदर भी क्या क्या काम करने हैं उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी जानकारी वो ली है। और ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारी केंद्र की सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बन रही हैं उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है कि उन तक लाभ पहुंच रहा है, उसके लिए भी उन्होंने पूरा फीडबैक लिया है और अच्छी बातचीत रही। आने वाले समय के अंदर हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जानकारियाँ ली है, जो फीडबैक लिया है, आने वाले समय के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हम तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे और हरियाणा की जो एक विकास की गति बनी है उस गति को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का एक विजन है जो विकसित राष्ट्र की तरफ ये भारत गति से बढ़ रहा है, हरियाणा भी उस गति में शामिल होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को पूरा करने का काम करेगा। और आने वाले इन विधानसभा के चुनाव के अंदर, क्योंकि बड़े जो विकास कार्यों के ऊपर आज चर्चा की है, हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर जिले में आज 4-लाइनिंग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे सड़कें गति से बनी हैं, हर जिले को जोड़ा है और भी कई सड़कें बन रही हैं जो हरियाणा की एक लाइफ लाइन के रूप में काम करेगा, जो हरियाणा के लोगों को आपस में नज़दीक लाने का काम इन सड़कों के द्वारा वो किया जा रहा है। और जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से जो जितनी योजनाएं वो चल रही हैं उनके बारे में भी जो फीडबैक लिया हमने बताया कि हम अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आगे भी ये गति तेज रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारीकी से उनकी जानकारी ली है।